नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। नगर निकाय चुनाव में जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के वादे और दावे करने की मांग बाहर आ गई है। इसी निकाय चुनाव कवरेज के दौरान हमारे संवाददाता दिलीप गुप्ता ने झांसी के स्थानीय प्रत्याशियों से बातचीत की, उनसे चुनावी मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश की। क्या कुछ बोल रहे हैं प्रत्याशी, आइए सुनते हैं। खड़े हुए हैं और हसारी आजाद नगर की यहाँ खड़े हुए हैं और पता चला है कि अभी कि कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी उर्मिला देवी जी से बात करते हैं। क्या है? नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला कुमारी, मैं वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हूँ और मैं अपने 1 नंबर वार्ड से पार्षद पद के लिए नॉमिनेट की गई हूँ और मैं यहाँ से अपने मेरा वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके लिए मैं आगे आई हूँ। मैंने पहल करी है, मेरे चाहती हूँ कि हमारी जो नारी शक्ति है वो जागृत हो और हमारे इस वार्ड का विकास हो। हमारी जो टीम है, हमारी जो मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे इस वार्ड को स्वच्छ बनाएं, हरित बनाएं और ये जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे मुद्दे हैं और छोटे कहने के लिए हैं लेकिन वो बड़े हैं। ये जो गंदगी हो रही है नालियों में, सड़कों का, पेयजल का, ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करूँगी। हमारी टीम मिलकर काम करेगी सारी और ये जो और भी समस्याएं उन पे सारा काम करूंगी। लेकिन हमारी जो वार्ड की महिला पढ़ी लिखी भी हैं और जो कम भी पढ़ी लिखी वो घरों तक सीमित रह गई हैं, उनको मुझे मेरा एक थीम है कि उन्हें बाहर निकाल कर उन्हें एक समाज में एक पहचान देनी है, उनके लिए मेरे समाज में एक विकास के लिए काम करना है, उन प्रत्येक महिला को एक पहचान बनानी है, वो खुद अपने आप में एक आगे बढ़कर आए, वो खुद अपने आप को पार्षद समझे कि मैं खुद पार्षद हूँ और मैं अपने वार्ड का विकास करूँगी, अपने वार्ड के लिए लड़ाई लड़ूंगी। और मुझे महिला शक्ति पे भरोसा है कि हमारी ये महिला जो नारी आज जागृत हुई है, ये हमारे विकास वार्ड को विकास की ओर ले जाएगी। पहले भी आप समाज का काम करती थी क्या? जी, कब से कर रही हैं आप? काफ़ी समय हो गया मुझे समाज से जुड़े हुए और जो भी तरह से मदद हो पाई है मेरे से, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की या हमारी दीदियों की जो भी समस्याएं रही हैं उनको हमने हल करा है अपने वार्ड में, कई तरीके से काम किया फील्ड में। और आपका क्या कहना है ईएमआई मशीन की गड़बड़ी पहले हुई थी तो आपको क्या लगता है फिर से दौरान ईएमआई मशीन की गड़बड़ी हो सकती है या नहीं? ये एक बहुत बड़ी समस्या है ईवीएम प्रॉब्लम जो हमारे आगे समस्या बनकर आ रही है, क्योंकि ये पहले भी आया है जो मोदी जी की गवर्नमेंट में एक तरफा इतनी तादाद में जो उनकी विजय घोषित हुई है, अब जी 325 सीटों से हुई है। अब इस बार भी हमें ये नगर निकाय चुनाव में हमारी पिछली जो अभी हाल गवर्नमेंट है हमारी योगी जी से अपील है कि इस चीज़ इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें और इस तरह की वारदात होने ना पाए, और प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे प्रशासन मदद करें इन चीज़ों में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं हमारे यहाँ पर, रोकथाम करें। और हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है कि इस तरीके की जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उन पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। पहले आप कांग्रेस में कांग्रेस का मुद्दा उठाया क्यों आपने? क्योंकि इस समय जो पार्टी का बीजेपी से जो ईमानदार की पार्टी बिल्कुल हमारी पार्टी बिल्कुल ईमानदार है और लगनशील है, मेहनत से काम कर रही है, हमारी टीम पूरी अपने वर्क में लगी हुई है वार्ड में। और सबसे मेन बात तो कितनी पुरानी हमारी पार्टी है। आपका नाम क्या है? हेमा विश्वकर्मा। तो क्या लग रहा है आपको? हमारी प्रत्याशी जीतेंगे। प्रत्याशी जीतेंगी, तो आपको क्या लग रहा है? जो हमारी प्रत्याशी बोल रही हैं उन सबसे सहमत है उन बातों से और हमारी जीत होगी। आपका क्या लग रहा है? हमारी कांग्रेस पार्टी की जीत, हम लोग सब साथ मिलके सहयोग करेंगे। आपको क्या लग रहा है? हमें अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारी पत्नी उर्मिला कुमारी वार्ड नंबर 1 से मतलब खड़ी हुई है यहाँ से मतलब, और हमें उम्मीद है कि आगे विकास करेंगी और अच्छा बनाएंगी वार्ड नंबर 1 को। आपका क्या लग रहा है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सर ये हमारी जो
भाभी जी हैं उर्मिला कुमारी, इनको बहुमत फुल रूप से दिलाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े इनको जिता के रहना है। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को भी एक बार अपनी इस इंडिया के अंदर लाना है। हमको लगा है कि आज वार्ड नंबर 81 उर्मिला देवी अच्छा लगा कि वार्ड नंबर 81 उर्मिला देवी जी ने और बात अच्छा कही। ठीक है, दिलीप गुप्ता झांसी।